की आवाज आएगी, बोलिए। अब ये देखिए, यहाँ बाराबंकी लखीमपुर से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो अजय मिश्र टेनी और आशीष मिश्रा वाला मुद्दा जो है यहाँ पर चर्चा में है। उसकी जमानत पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इसने किसानों को रौंदा जी, राज्य में मौजूद है हमारे साथ पुष्परंजन जी, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं जो आपके साथ लोग हैं इनसे। जरा पुष्परंजन जी क्या पूछना चाहते हैं? अजय जी, वहाँ पर इन इलाकों में मोदी जी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज बहुत बांटे गए, वो बार बार बता भी रहे थे और याद भी दिला रहे थे कि मुफ्त की चीज़ें बहुत हमने बांटी है, तो अब उसका नमक अदा करने का वक्त आ गया है। मुफ्त की चीज़ों का क्या असर पड़ा है मतदान से पहले, जो लोग मत दे के आए हैं, जरा वो पूछिएगा। एक एक करके भाई साहब बोलेंगे तो मैं ज़्यादा बेटर होगा। कोई एक जो मेरा सवाल ये है, ये हमारे स्टूडियो से पुष्परंजन जी पूछ रहे हैं कि जो ये मुफ्त राशन बट रहा है, ये क्या, ये आप लोगों के जीवन पर कैसा असर डाला और इसका जो है चुनावों पर कैसा असर हो रहा है? एक 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 जन कोई एक कौन बोलना चाहेगा वो बोले। खाली किसान भाई जो है घर छोड़ के अपने भाई खलिहान में सो रहा है, तो ये मुख्य कारण कहाँ का है? और कोई इस बात मुद्दे पे जवाब देना चाहिए? राशन दे के घर दे के क्या पब्लिक को खरीद रहे हैं? वो देखे खरीदने की बातें कर रहे हैं, वो राशन दे के, तो राशन दे के अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे अमरेश पुरी ने कहा है कि हराम खाने की उनकी आदत डालने दो, उसके बाद में कुछ लेंगे। तो हम लोगों को कहना है कि ये सरकार बदली जाए, सरकार बदल रहे अगले। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोजगार चाहिए, ये राशन हमसे 5 किलो गेहूं हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए और महंगाई को कम किया जाए। महंगाई बहुत ज्यादा है, अच्छा इधर आप आपके सामने तो शायद ऐसा बेरोजगारी का मुद्दा तो नहीं है, तो आपको हाँ, आप नौजवान लोग हैं, आप लोगों का क्या मुद्दा है? सब मसाला बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, आदमी कोई काम नहीं करेगा, क्या करेगा? ठीक ठीक अभी बात कर। तो ये आप पुष्परंजन जी सुन रहे थे, यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमको जो है, हम ये जो मुफ्त राशन देके हमको भिखारी बनाया जा रहा है, उससे हम नहीं बनना चाहते, हमको रोजगार दिया जाए, हम सिर्फ रोजगार चाहते हैं, उसके अलावा हमको किसी तरह की जो है ये जो ये तात्कालिक मदद है इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी एक जो है युवाओं में बहुत बड़ा मुद्दा है, और महंगाई महंगाई तो जो है उन्होंने, जैसे कि आपने सुना कि सिलेंडर के दाम को लेकर इनको सवाल है कि 300 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में भराने की जो है जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा जो है इनका जो है छुट्टा जानवरों का मुद्दा, जबकि शहरों में छुट्टा जानवरों का उतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी मैंने आपको जो है पिछले जो बूथ पे मैंने दिखाया कि बूथ मतलब शहरी इलाकों में भी छुट्टा जानवरों की जो है आमद है, यहाँ पर जो है काफी छुट्टा जानवर सड़कों पे हैं, और ये और कई सारे जो है एक्सीडेंट इस इलाके में हो चुके हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है जी। और बताएं जी। अजय जी अभी आपके साथ और जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन राहुल लाल जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों की बातें और आज मतदान, ये तमाम लोग जो हैं जो अजय जी के साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये सब वोट करके आए हैं और बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर घिरी हुई लग रही है वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार घिरी नहीं है, काफी जबरदस्त रूप से घिर चुकी है, और अब तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास होता है, जनता एक एक सूचनाओं को समझ रही है। उदाहरण के लिए सरकार ये चाहती है कि हम अपने लाभार्थियों के समूह के माध्यम से हम वोट ले लें, लेकिन देखिए लोगों ने कितनी अच्छी बात की कि लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि पहले तो मुफ्त राशन भी लंबा नहीं चलना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये पहले जो है कि अभी तो इसको लास्ट में सरकार ने इसको मार्च तक बढ़ाया, नहीं तो उसके पहले तो इसको बंद किया जा रहा था। लगातार हम लोगों ने आलोचना की, हर तरफ आलोचना की सरकार शिकार हुई, और अंततः चुनाव को देखते हुए उन्होंने बढ़ा दिया इसको, नंबर वन चीज। नंबर टू की भाई खाद्य सुरक्षा की गारंटी है यहाँ पे बना हुआ है, और आपकी जिम्मेवारी है
अनुच्छेद 31 जीवन का अधिकार देता है। तो आप अगर लोगों को राशन दे रहे हैं कि कोई भुखमरी का शिकार ना हो जाए, तो ये आप इसको लेकर चुनावी ढोल नहीं पीट सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप सरकार चला रहे हैं और आपके शासन में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित हो, कोई भूख से ना मरे, आप उसको भी चुनावी एजेंडा बनाते हैं। तो जनता देखिए सब कुछ समझ रही है कि आप ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से कि आप वोट मांग लीजिए। नंबर टू चीज देखिए, नंबर तीन की देखिए महंगाई का मामला जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल काफी जबरदस्त है। देखिए अब महंगाई का मामला इसमें जबरदस्त इसलिए भी हो रहा है कि महंगाई के साथ जुड़ी हुई चीजें बेरोजगारी, और बेरोजगारी भी दो रूप में है। एक तो बेरोजगारी, एक है छद्म बेरोजगारी कि अगर कुछ लोग रोजगार कर भी रहे हैं तो नाम मात्र के वेतन भत्ते पे काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, वो कंपनियों के शोषण के शिकार हो रहे हैं, या कहीं दूसरे जगह पे वो नियोक्ता के शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आपके पॉकेट में पैसे नहीं है और मार्केट में तमाम तरह की चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो ऐसे में कोई अपना घर चलाए तो कैसे चलाए? तब उसको ध्यान में आता है कि भाई सिलेंडर के मूल्यों में कितनी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो खुद सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि महंगाई ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा भयावह स्थिति में है, और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी भी भयावह स्थिति में। आपने मनरेगा को कहीं बजट भी पंप नहीं किया है, तो इसलिए ग्राउंड से भी जो चीजें कहीं से प्रतिक्रिया ली जा रही है तो वो बिल्कुल चीख चीख के कह रहा है कि सरकार की कितनी सारी विफलताएं हैं। आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही गुड बुक का बना के चल रहे हैं, 10 में 10 नंबर आप दे दीजिए, लेकिन जनता आपका मूल्यांकन काफी कठोरता के साथ कर रही है। यही कारण है कि इन जो आधारभूत मुद्दे थे ये इतनी गहराई से जनता पकड़ी हुई है, और विपक्ष ने भी इसको पकड़ा हुआ है कि मुझे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो नए नए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उछालना चाहती है, उस प्रकार के सभी मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया, उसको कहीं से स्वीकार ही नहीं किया है। तभी वो सोचते हैं कि अब क्या नया मुद्दा लेके आया जाए कि जनता अपने सामान्य चीजों को भूल जाए। लेकिन जब हम लोग पांचवें चरण तक में जनता नहीं भूली है, तो हमें अब विश्वास नहीं कि छठे और सातवें चरण में कुछ बहुत कुछ बदल देंगे और कोई नया सा मुद्दा लेके बीजेपी आ जाएगी। नया सा मुद्दा लेकर के बीजेपी आ जाएगी। हमारे साथी पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, और पहली प्रतिक्रिया प्रेम कुमार जी आपसे लेना चाहूंगा, फिर हमारे साथी अजय सिंह जी सीधे जुड़े हुए हैं बाराबंकी से, उनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। एक फटाफट ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूंगा प्रेम कुमार जी, और फिर अजय जी के पास आना चाहूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं सीधे बाराबंकी से। प्रेम कुमार जी, सुबह से लेकर अभी तक मतों का जो प्रतिशत है, वोटिंग परसेंट, उस गति से तेज नहीं है जिस गति से होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब मुद्दों की बात हो रही है तो बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे, ओपनिंग कमेंट? देखिए राजीव जी, दो हिस्सों में जनता अगर बटी है तो मुद्दों के आधार पर, तो एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा आहत वर्ग, और कसम कश इसी के बीच में है। और जो लाभार्थी वर्ग है उसमें आहत वर्ग की पूरी जबरदस्त घुसपैठ है। तो आहत वर्ग आप देख लीजिए, उसमें बेरोजगार का तबका है, उसमें कोरोना से प्रभावित लोगों का तबका है, उससे बेसहारा पशुओं के कारण परेशान लोगों का तबका है, और जितनी शिकायतें महंगाई वगैरह, जितनी सरकार से शिकायतें हैं, डबल इंजन की सरकारों से शिकायतें, वो आहत वर्ग में शामिल है, और वो वोकल भी है। वोकल दोनों वर्ग है, लाभार्थी वर्ग भी है जो कि बोल रहा है कि हमें राशन मिल रहा है तो हम वोट देंगे। इस बीच में नमक हलाली वाली बात आ गई तो लोगों ने काउंटर क्वेश्चन भी किया कि कोई अपना घर से जमीन जायदाद बेच करके तो हमें आप राशन नहीं दे रहे, हमारे ही पैसे का राशन, हमारे ही हिस्से का राशन हमें मिल रहा है, ये तमाम बातें हैं। तो इस हिसाब से लोग बट करके वोट दे रहे हैं और गुस्से में वोट दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो अभी तक वोट का प्रतिशत आया है उसमें अयोध्या आगे है, लेकिन अयोध्या शहर जहां पर कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर वोट प्रतिशत बहुत कम है। आप ये आश्चर्य की बात है, तो ये भी लगभग वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है जो पिछले चार चरणों में हुआ कि शहर की सीटों में जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, अब समझिए कि अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां तो बहुत ज्यादा प्रभाव का दावा है, प्रभाव दिखता है, सारे चैनल में लोग बताते हैं कि यहाँ पूरा इलाका जो है जय श्री राम का उद्घोष होने लगता है जैसे ही कोई राजनीतिक बात होती है। तो लेकिन उस हिसाब से वहां वोट प्रतिशत नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उत्साह में कमी है या दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये बात नजर आती है। हम आपको एक बात और बोलना चाहेंगे कि एक ये जो रिपोर्टर्स हैं हमारे मुख्य धारा की मीडिया के,
वो जनता के बीच जब जाते हैं उन्हीं में से कुछ एक का अनुभव मैं बहुत हल्के में छोटे में आपको बताता हूँ। एक उनमें से एक का अनुभव मैं बता रहा हूँ, हालांकि लगभग ऐसी बातें दूसरे लोगों ने भी कही है। वो रिपोर्टर बताते हैं